दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम जान पाएंगे सुपरस्टार सिंगर 2 के एपिसोड के दौरान में कौन कौन से परफॉर्मेंस हुए, किस कंटेस्टेंट ने कौन सा परफॉर्मेंस दिया है, किनका परफॉर्मेंस रहा दुनिया हिला देने वाला और ढेर सारी बातों को हम लोग जान पाएंगे दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। साथ ही साथ करूंगा आप लोगों से अपील, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सुपरस्टार सिंगर 2 से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सैटरडे स्पेशल सुपरस्टार सिंगर 2, जो कि रहा ओस की बूंदें स्पेशल। एपिसोड के दौरान में दोस्तों देश के कोने कोने से ऐसे सुपरस्टार आए हैं जिन्होंने की जिंदगी की जंग को जीती है और वह अपने हौसले की कहानी यहां बताने के लिए आए हैं और साथ ही साथ अपने फेवरेट कंटेस्टेंट से अपना लाजवाब परफॉर्मेंस सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। इन सबों की मौजूदगी में ही हमारे सभी बच्चों ने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया। बात करें पहले परफॉर्मेंस की, तो पहला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए टीम दानिश से चैतन्य वैश आते हैं, जिनका साथ की खुद दानिश और उनके साथ में आर्यनंद बाबू और अरुणा दास सभी मिलकर एक साथ देते हैं और इन्होंने फिल्म बजरंगी भाईजान का भद्द झोली मेरी इस गाने को परफॉर्म किया और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इन सबों का रहा दोस्तों, जिसे कि आए हुए सभी मेहमानों ने और साथ ही साथ हमारे जजेस ने जम के तारीफें की हैं। बात करें इनके परफॉर्मेंस को सुनने के बाद में हमारे जजेस ने इसे दुनिया बदल देने वाला परफॉर्मेंस बताया है दोस्तों। बात करते हैं अपने दूसरे परफॉर्मेंस की, तो दूसरा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए टीम अरुणिता से मोहम्मद फैज आते हैं, जिनका साथ अरुणिता भी देती हैं। इन्होंने फिल्म कल हो ना हो का टाइटल सॉन्ग कल हो ना हो यह गाने को परफॉर्म किया और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था दोस्तों मोहम्मद फैज का अरुणिता के साथ में मिलकर। और इनके इस परफॉर्मेंस को सुनने के बाद में वहां मौजूद तमाम जजेस, मेहमान, कलाकार और कैप्टन सभी के सभी झूम पड़े इनके परफॉर्मेंस पर। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस था और हमारे जजेस ने भी इनकी जम के तारीफें की हैं। बात करते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की, जो कि रहा टीम सलमान अली की तरफ से हर्षिता भट्टाचार्य और ऋतुराज का, और इन दोनों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया दोस्तों। फिल्म मासूम से तुझसे नाराज नहीं जिंदगी इस गाने को परफॉर्म किया है और इनके इस परफॉर्मेंस को बैठे हुए तमाम श्रोतागण, कैप्टन्स और हमारे बाकी सभी कंटेस्टेंट झूम पड़े इनके गाने के ऊपर में। इतनी खूबसूरती के साथ में हर्षिता भट्टाचार्य और ऋतुराज ने इस गाने को परफॉर्म किया है, साथ ही साथ हमारे सभी जजेस ने भी इनकी जम के तारीफें की हैं दोस्तों। बात करते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की, तो वह टीम पवनदीप के तरफ से प्रांजल विश्वास आते हैं और पवनदीप भी उनका साथ देते हैं और इन्होंने फिल्म तारे ज़मीन पर इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग परफॉर्म किया है और इनके परफॉर्मेंस पर भी सारे मेहरबान हो गए। इतनी खूबसूरती के साथ में इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद में सभी कंटेस्टेंट और साथ ही साथ हमारे सभी कैप्टन्स और मौजूद मेहमान गण सभी के सभी झूम पड़े इनके परफॉर्मेंस पर। इतनी खूबसूरती के साथ में प्रांजल और पवनदीप ने इस गाने को परफॉर्म किया है और इनके परफॉर्मेंस को सुनने के बाद में जजेस ने भी जम के तारीफें की हैं और इसे दुनिया हिला देने वाला परफॉर्मेंस बताया है। बात करते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की, तो वह टीम साइली की तरफ से समायरा महाजन आती हैं और उसका साथ साइली खुद देती हैं, जिन्होंने की फिल्म मिस्टर इंडिया से जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है इस गाने को परफॉर्म किया है। यह गाने इतनी खूबसूरत है दोस्तों, जिसे कि इन दोनों ने उतनी ही खूबसूरती के साथ में पेश किया और इसे सुनने के बाद में सबों के दिल में एक अलग सी ऊर्जा पैदा हो गई और सभी के सभी डांस परफॉर्म करने लगे और हमारे जजेस ने भी इनकी जम के तारीफें की हैं दोस्तों। बात करते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की, तो वह सलमान अली की टीम से मानी आते हैं और सलमान उनका खुद साथ देते हैं। इन्होंने फिल्म अनजाना अनजानी का तू न जाने आस पास इस गाने को परफॉर्म किया है और इतना ये खूबसूरत गाना है दोस्तों, मानी ने उसे उतनी ही खूबसूरती के साथ में पेश किया है और सलमान अली ने भी उनका जम के साथ दिया है। इनके परफॉर्मेंस को सुनने के बाद में हिमेश रेशमिया जी स्टेज पर चले आते हैं और खुद गाना परफॉर्म करने लग जाते हैं। इतनी खूबसूरती के साथ में मानी ने सलमान अली के साथ में इस गाने को परफॉर्म किया है। और आखिरी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए टीम पवनदीप की तरफ से सोएब अली आते हैं, जिन्होंने की नमस्ते लंदन का
मैं जहां रहूं इस गाने को परफॉर्म किया है और ये इतना हाई पिच सॉन्ग है दोस्तों, जिसे कि शोएब अली ने उतने ही खूबसूरती के साथ में पेश किया है। इसे सुनने के बाद में हमारे सभी जजेस ने जम के तारीफें की हैं, वहीं हमारे कैप्टन्स भी इनके परफॉर्मेंस को देखकर काफी एक्साइटेड होते हुए नजर आए हैं। और वही हाल हमारे बाकी कंटेस्टेंट का भी रहा दोस्तों, वो भी इनके गाने के ऊपर में जबरदस्त झूमते हुए दिखाई पड़े। साथ ही साथ हमारे सभी जजेस ने सलमान अली के इस परफॉर्मेंस की जम के तारीफें की है दोस्तों। तो इस तरीके से कुल 7 परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला दोस्तों सुपरस्टार सिंगर 2 के सैटरडे स्पेशल, जो कि ओस की बूंदे रहा। और इसमें 2 कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस दुनिया बदल देने वाला परफॉर्मेंस था, टीम दानिश की तरफ से चैतन्या का और टीम पवनदीप की तरफ से प्रांजल विश्वास का। तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा दोस्तों कि आज के इस एपिसोड के दौरान में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा, जिसने आपका दिल जीता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सुपरस्टार सिंगर 2 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।